हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप के डीपी में फुल फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कोई भी एक फुल फ़ोटो लगाता हूं, या आप भी कोई जब फुल फ़ोटो लगाते हैं या तो ऊपर की ओर लगता है या नीचा की ओर, आधा तो कट ही जाता है। तो आज के वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप इस पूरे फुल फ़ोटो को लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और इसी प्रकार से आपको भी चले आना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। और पहले ही मैं बता दिया आपको, यहाँ पे कोई भी मैं एप्लीकेशन यूज नहीं करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना होगा टेक फिंज। आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर जैसा आपको शो हो रहा है टेक फिंज, ऐसे ही आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट ही मिल जाएगा टेक फिंज का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं ऊपर में एक सर्च बार का ऑप्शन दिखने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है डीपी, डीपी लिखकर सिंपली नीचा में सर्च कर देना है। अब जैसे ही सर्च कीजिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर आना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है व्हाट्सअप पर फुल डीपी कैसे लगाते हैं, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, नीचा की थोड़ा सा नीचा की ओर आना है। थोड़ा सा नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऐप लिंक के नीचे डाउनलोड का और उसके नीचे वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले पे क्लिक नहीं करना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेबसाइट का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको वेबसाइट वाले पे क्लिक करना है, वेबसाइट वाले पे। आप जैसे ही वेबसाइट वाले पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, गैलरी से जिस भी फ़ोटो को आप फुल साइज को आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं अपने डीपी में, आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो फ़ोटो मैंने आपको दिखाया है मैंने वही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। आप देख सकते हैं जिस फ़ोटो को मैं लगाना चाहता हूँ उसे ही सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जेनरेट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे जनरेट का ऑप्शन दिखा है, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट होकर मेरा फ़ोटो जो ऊपर की ओर था यहाँ पे देख सकते हैं वह जनरेट होकर नीचे की ओर आ चुका है। जनरेट हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, PNG, JPG और वेब। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो JPG का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं एक JPG का ऑप्शन है, आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो गया, वो डाउनलोड भी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं अब आपको फिर से बैक चले आना है। बैक आ जाने के बाद आपको फिर से व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, सेटिंग में जाकर और यहाँ पे क्लिक करना है अपने डीपी में। उसके बाद गैलरी से आपको जिस फ़ोटो को आप डाउनलोड किया आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर ले। आप देख सकते हैं अब फुल फ़ोटो लग रहा है। आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में फुल फ़ोटो लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं नहीं तो ऊपर की ओर कट रहा है, नहीं नीचे की ओर पूरा फुल फ़ोटो लग रहा है। चलिए मैं इसे सेव कर देता हूं डन वाले पे क्लिक करके। लोडिंग ले रहा है, आप देख सकते हैं जो मैं फुल फ़ोटो को लगाना चाहता था वो फुल फ़ोटो लग चुका है। इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की व्हाट्सएप के फुल DP लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।